हमेशा टेररिस्ट क्यों है? 70 साल पहले भगत सिंह को टेररिस्ट कहती थी, तो उसने कहा कहती थी कि भगत सिंह टेररिस्ट था। पाकिस्तानी मौलाना भगत सिंह जी को बोल रहे हैं आतंकवादी, क्या है पूरी कहानी, चलिए सुनते हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद की प्रेस मुझसे ये पूछ रही थी कि मुसलमान हमेशा टेररिस्ट क्यों हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज हुकूमत 60-70 साल पहले भगत सिंह को टेररिस्ट कहती थी, तो उसने कहा कहती थी, आप इसको मानते? उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह टेररिस्ट था, मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह दहशतगर्द था। तो मैंने उससे पूछा, उस टाइम जब अंग्रेज कहते थे कि भगत सिंह टेररिस्ट है, आप उनकी बातों को नहीं माने, आज जब वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, आज आप क्यों उनकी बात को मानते हैं? तो वो रिपोर्टर हंसने लगा। तो मैंने कहा क्योंकि आप हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, आप मुसलमान के बारे में नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि जो वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस मुसलमान को टेररिस्ट कह रही है, आप उनके बारे में, उनके पस मंजर, उनके कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, उनके हालात को नहीं जानते। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी मौलाना जाकिर खान कह रहे हैं कि भाई जो भगत सिंह है ना वो आतंकवादी है, या तो भगत सिंह आतंकवादी है या फिर मुसलमान जो आतंकवाद फैलाते हैं वो आतंकवाद नहीं करते, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। दोस्तों शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर जो भगत सिंह जैसे इतने हमारे युवा जिसने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए और राजगुरु सुखदेव, उनको कंपैरिजन कर रहा है आज के टेररिस्ट के साथ जो दूसरे लोगों की जान ले लेते हैं। अरे उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देशवासियों के लिए, और जब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक साथ रहते थे उन सब के लिए, उसने हिंदू ना देखा ना मुस्लिम देखा, मैं किसके लिए दादी ले रहा हूँ, उसने अपनी जान दे दी, फांसी पर हंसी हंसी खुशी खुशी चल गए, किन के लिए? आप लोगों के लिए। लेकिन आज वही लोग उनको कंपैरिजन कर रहे हैं किन के साथ? आतंकवादियों के साथ। दोस्तों बहुत गंदी मानसिकता है, आप क्या राय रखते हो, उस बारे में क्या सोचते हो यार, प्लीज़ आज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट में ना आज भगत सिंह जी के लिए जय हिंद जरूर लिखना, प्लीज़ जय हिंद जरूर लिखना। धन्यवाद।